सरिता, सरिता, भैया तुम्हारी बिटिया कहाँ गई? हमें क्या पता तुम्हारी बिटिया कहाँ? सरिता, ये हमारी बिटिया कहाँ है? यही तो थी ना? अरे वो तो कहीं भी मुंह उठाकर चली जाती है। अरे ऐसे कैसे चली जाती है, वो तो ठीक से चल भी नहीं पाती। हमें नहीं पता। अरे अस्पताल से इस अस्पताल में तुम्हारी बेटी के अलावा और भी मरीज हैं, समझे? कुछ कीजिए ना डॉक्टर साहब। देखो कांटे लगेंगे ना तो खून बहेंगे, हम लोग जितना इलाज करते बना कर दिए, यहाँ से ले जाओ। डॉक्टर साहब अभी ठीक से चल भी नहीं पा रही इतने बड़े हादसे के बाद। हमको वो सब नहीं मालूम, बलात्कार बोल के लाए थे, हम लोगों ने इलाज कर दिया, जितना करते बना उससे अच्छा किए। इसको यहाँ से ले जाओ, ये पागल खाना नहीं है, समझे? डॉक्टर साहब ये खून देखिए रखे। वट वट, इनको एंटीसेप्टिक लगा दो। ठीक है। बाहर शोर कैसा है? जरा देखो। बाहर गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं सरिता केस को लेकर, और धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आओ देख ले। पुलिस के बाद में नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये केस बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुलिस की मनमानी नहीं चलेगी। तुम शोर मचा रहे हो। साहब हम वो सरिता के केस के बारे में बात करने आए हैं। हाँ तो उसकी तहकीकात चल रही है। ये तो मालूम है साहब, यही कह रहे हैं हम, काहे कर रहे हैं ये सब? क्या मतलब? काहे उस पगली के लिए पूरे गांव को परेशान कर रही है पुलिस अबे। और साहब हमारी फैक्ट्री से भी दो मजदूरों को ले गए, हमको डबल काम करना पड़ रहा है, ऊपर से नुकसान भी बहुत हो रहा है। दो दिन पहले हमको घर से उठा लाए वो। हाँ साहब हम लोग बहुत परेशान हो गए। देखिए इस केस का जो मर्जी करना है कीजिए, बंद करिए बस। आप लोगों को पता भी है ये नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार का केस है? अरे साहब पगली लड़की का केस है ना, वो कुछ बोल पाती है ना बता पाती है। बलात्कार हुआ भी है कि नहीं हुआ है कैसे बताएगी वो? और आप लोगों ने पूरे गांव वालों को परेशान कर रखा है। या तो तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है या फिर तुम लोग अपनी इंसानियत भूल चुके हो। उस लड़की के टेस्ट हुए हैं जिसमें साफ साफ लिखा है उस नाबालिग बच्ची के साथ बड़ी बेरहमी के साथ बलात्कार हुआ है, और आप लोग उसका साथ देने के बजाय उल्टा उसी को कोस रहे हैं। जाइए यहाँ से आप लोग। चलिए चलिए जाइए आप। उत्तर प्रदेश में बसा ये गांव इसारी, जहां एक मानसिक रूप से विकलांग 14 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, लेकिन गांव वाले अपराधियों को पकड़ने की बजाय पुलिस पर इस बात के लिए दबाव डाल रहे थे कि इस केस को बंद कर दिया जाए। आखिर क्यों? गलती किसकी थी, उस मानसिक रूप से विकलांग बच्ची की या उन लोगों की जिन्होंने उसके साथ बलात्कार किया, या फिर इन गांव वालों की जो पुलिस की पूछताछ की परेशानियों से बचने के लिए बलात्कारियों को नजरअंदाज करने को भी तैयार थे? ले खाना खा। अरे तुम्हारे नहीं कहने से नहीं होगा, समझी ना, चल खा खा। मैं कह रही खा। जो लोग उठा के ले गए थे खाली बलात्कार करके छोड़ दिया हमारे पास मरने को। अरे मार के नहीं दिया तेरे को। मारते पगला गए हो का? हाँ ना तला बकरे। हाँ हम पगला गए हैं। अरे इस लड़की ने शराब कर दिया हमारी जिंदगी को, अनाज वाले ने अनाज देने से मना कर दिया, सारे गांव वालों से दुश्मनी हो गई हमारी। अरे मरती भी नहीं है ये। रघु अपनी बेटी सरिता से बहुत प्यार करता था। सच तो यह है कि सरिता के पैदा होने के कुछ ही महीनों बाद जब ये पता चला कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है,
तो उसे किसी सरकारी पागलखाने में छोड़ देने के विकल्प के बारे में सोचा ही नहीं गया, बल्कि उसे लाड प्यार से पालने की जिम्मेदारी उठाई। बाप के लाड और माँ की देखभाल में पलते हुए सरिता 14 साल की हो गई, लेकिन उस शाम अपनी ही धुन में गुम सरिता खेल ही खेल में अपने घर से थोड़ा दूर निकल गई थी। सरिता! जब बहुत देर तक सरिता नहीं दिखी तो रघु उसे ढूंढने निकला, और जब सरिता मिली तो रघु की आंखें फटी रह गईं। उसे जैसे तैसे अपनी गोद में उठाकर वो हॉस्पिटल की तरफ भागा, पर हॉस्पिटल में उसकी हालत देखने के बाद डॉक्टर्स ने उसे एडमिट करने से मना कर दिया। रघु की मिन्नतों का उन पर कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने साफ कह दिया कि इसे शहर के हॉस्पिटल ले जाओ या फिर किसी पागलखाने। अपनी बच्ची को मालती के पास छोड़कर रघु पुलिस स्टेशन की तरफ भागा। पुलिस की दखलंदाजी के बाद हॉस्पिटल ने सरिता को एडमिट किया। पुलिस ने अपना सामाजिक दायित्व तो निभा दिया, लेकिन अब उनके सामने एक ऐसा केस था जिसे हल करना आसान नहीं था, क्योंकि ना तो कोई गवाह था और ना ही बलात्कार की शिकार सरिता दिमागी रूप से कुछ भी बताने में सक्षम थी कि उसके साथ ये घिनौना अपराध करने वाले कौन थे और कितने थे। तितली पकड़ने जाना है ना, तब तक खाना खाना पड़ेगा। ले 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 ले। अरे अरे खाओ 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 खाओ। हैं ना तितली खाओ खाओ खाओ। सरिता से बात कर सकते हैं? वो आपको क्या बताइए साहब, उस मासूम को तो ये भी नहीं मालूम कि उसके साथ क्या कुकर्म हुआ है। बेटा, क्या आप हमें बता सकते हो कि आपके साथ वहां पर क्या हुआ था? पेट के नीचे दर्द होता है। उन लोगों ने आपको मारा था? मारा था? अच्छा ये बताओ, कितने बुरे लोग थे वहां पर? कितने लोग थे मतलब? पूछिए, मदद कीजिए। एक, दो। एक, दो। गिनती सिखाए थे ना बेटा? एक, दो, तीन। एक, दो, तीन। सर, लगता है एक या फिर दो से ज्यादा लोग। क्या मतलब? तीन चार लोग। किसी भी भाषा में ऐसा कोई शब्द नहीं है जो बलात्कार की शिकार किसी महिला के दर्द को, उसकी लाचारी, उसकी बेबसी को पूरी तरह से बयां कर पाए। और यहां तो एक ऐसी लड़की के साथ बलात्कार हुआ था जो अपनी मानसिक अवस्था की वजह से वैसे ही अपनी भावनाओं को दर्शाने में असमर्थ थी। पुलिस को शक था कि सरिता के साथ हुए इस दुष्कर्म में एक से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन वो कौन है और कितने हैं इस बात की पुष्टि करने का अभी उनके पास कोई रास्ता नहीं था। साथ ही इस बलात्कार की असली वजह का भी अभी तक पता नहीं चल पाया था। क्या मुजरिमों ने यह जुर्म सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए किया था या फिर इसके पीछे कोई और वजह थी, मसलन पुरानी दुश्मनी या रंजिश, या फिर अतीत में इस लड़की या इसके परिवार से हुई कोई ऐसी गलती जिसका बदला इस तरह से लिया गया था। इन मुजरिमों तक पहुंचने के लिए इस जुर्म की वजह तक पहुंचना बहुत जरूरी था और जांच दल इसके लिए प्रतिबद्ध था। सर, उस दिन मोर्चे पे जो औरत सबसे ज्यादा बोल रही थी, उसका रघु से जमीन को लेके कुछ विवाद चल रहा है। देखिए, इस केस का जो मर्जी करना है कीजिए, बंद करिए बस। साहब, आप तीन बार लगातार हमसे पूछ चुके हैं, हमको जितना मालूम था हम बता चुके हैं, अब आगे क्या बताइए बताइए। आप लोगों की रघु से क्या दुश्मनी चल रही है? अरे उसकी औकात क्या है हमारे सामने साहब? अरे ऐसे लोगों से दुश्मनी नहीं, नफरत होती, नफरत। एक बात बताइए, उस शाम आप कहाँ थे जब सरिता के साथ ये हादसा हुआ? इंस्पेक्टर साहब, आप 10 बार भी पूछेंगे ना तो हमारा बयान बदलेगा नहीं। सच यही है कि हम घर में थे, सो रहे थे। किसी ऐसे शख्स को जानते हैं आप लोग जिसपे आपको शक हो या फिर कोई विकृत मानसिकता का आदमी हो? एक आदमी को हम जानते हैं।
अपनी बेटी को बचा चुके हैं उससे। अरे ये तो यहीं गिर गया, तुमको नहीं आता सर को हम बताते हैं। लाओ हम बताते हैं, इसको जो है ना, इसको ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो अप्पू को, ऐसे अप्पू के ना। हाँ ए, 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 छोड़ मेरी बेटी को, क्या कर रहा था? अरे ये क्या कर रहा था तू? अरे उड़ाना सिखा रहे थे। देखा मैंने, शर्म कर ले, तेरी बेटी की उम्र की है। अरे क्या कहा ना बकरी, और तेरे को कितनी बार मना किया इस पागल के साथ मत खेला कर, पूरा का पूरा खानदानी पागल है। चल चल घर में बैठने से मन ही नहीं लगता तुम्हारा ना, चलो। आपको पता है आप क्या इल्जाम लगा रही हैं? हम एकदम होश हवास में हैं और एकदम सच बोल रहे हैं। हमें तो ये भी लगता है कि उस पगली के साथ कुछ दुष्कर्म नहीं हुआ है, और अगर कुछ हुआ है ना इंस्पेक्टर साहब, तो उसका बाप जिम्मेदार है उसके लिए। सर आपको क्या लगता है, इस औरत के कहने में कुछ सच्चाई हो सकती है? इस बाप को देखकर लगता नहीं ऐसा कि ये अपनी बेटी के साथ कोई गलत काम कर सकता है। आमतौर पर सुरागों की तलाश में भागते दौड़ते और सबूतों की बिना पर मुजरिमों को पकड़ने वाले पुलिस वालों को कभी कभी अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करना पड़ता है, लेकिन यहां सवाल यह था कि क्या पुलिस की गट फीलिंग सच है या फिर जो रूपलता ने कहा है वो सच है। सरिता के इशारों पर विचार तो किया जा सकता था, लेकिन उसे पुख्ता रूप से माना नहीं जा सकता था। डॉक्टर ने यह भी कहा था कि सेक्सुअल असॉल्ट तो था, लेकिन किसी का सीमेन नहीं मिला था। इससे पुलिस ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि क्या बलात्कार में प्रोटेक्शन यानी कॉन्डोम का इस्तेमाल किया गया था। सर मालूम चला है कि उस पूरे गांव में एक ही दुकान है जिस पर हर तरह का सामान मिलता है, और इस दुकान के मालिक का नाम महाजन है। सर क्यों ना इस महाजन से पूछताछ की जाए कि वारदात वाले दिन से लेकर एक हफ्ते पहले तक किन किन लोगों ने कॉन्डोम खरीदा हो। छोटी मोटी खरीदारी का बिल थोड़ी बनाएंगे। गिने चुने गिनती के लोग आते हैं तुम्हारी दुकान पे, और तुम कह रहे हो तुम्हें याद नहीं है। याद तो है साहब, लेकिन थोड़ा सोचना पड़ेगा ना। किसी का भी नाम दे दूं जिसने पहले या बाद में खरीदा हो, वो तो बेचारा फंस जाएगा। उनको जो बोला है वो करो, ज्यादा बकवास मत करो, समझे? ठीक है साहब, जैसा आप बोलिए। लेकिन ये पगली लड़की ने पूरे गांव को परेशान करके रखा है, पता नहीं काम मुंह काला करके आई है, सबके सब परेशानी हमें उठानी पड़ रही है। सर इस जगह कई बार देख चुके हैं। आई नो, पर कभी कभी चीजें नजर से चूक जाती हैं, और ये बात भी पक्की है कि सबूत हमें वारदात की जगह से ही मिल सकता है। हाँ रघु ने कहा था कि सरिता उसे यहाँ बेहोश पड़ी मिली थी, लेकिन ये भी मुमकिन है कि वारदात यहाँ ना होकर के कहीं और हुई हो, सरिता यहाँ खुद चलकर पहुंची हो या फिर उसे यहाँ लाकर फेंक दिया गया हो। हमें अपनी जाँच का दायरा बढ़ाना होगा और एक बार फिर अच्छी तरह से छानबीन करनी होगी। चलो आओ। सर सर ड्रिंक की बॉटल एविडेंस बैग में डालो। सर हाँ योगेश। सर ये दुपट्टा मिला है, और ये चप्पल, और ये देखिए सर ब्लड के सैंपल भी। आसपास और ध्यान से देखो, जरूर कुछ ना कुछ और मिलेगा। एक मिनट, तुम्हें ये उठाओ। ये तो ब्रांड वही है जो हमें वहां मिला था। जी सर। इस जगह को देखकर लगता है कि वारदात यहीं हुई होगी। फॉरेंसिक वालों को बुलाओ। यस सर। सारी परेशानी ऐसी खड़ी हो गई, का बोले ये देखो पगली। पापा। देखो 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 इसकी। अरे पकड़ के रखना इसको, पागल कहेगी मार देगी किसी दिन। कीचड़ में पत्थर मारेगी तो कीचड़ हम पे ही उड़ेगा ना।
पानी लेके आ। अरे बाप। सोच रहे हैं कि कल शहर जाके बड़ा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर देंगे। काहे? का हुआ? अरे का हुआ, आज पुलिस दुकान पर आ गई, कहने लगी कि सबका नाम दो जो जो कंडम खरीदते। अरे कहाँ से याद रखेंगे, हमने भी कह दिया याद करके बताएंगे नाम। साहब यही बचा है, अब ये भी पूछ लो कि हफ्ते में कितनी बार इस्तेमाल करते हैं कंडोम। जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दो। तुमने कंडोम खरीदा था या नहीं? जी। कहाँ इस्तेमाल किया? एक ही पत्नी है साहब, बाहर मुंह मारने की आदत नहीं है। और तू? साहब हमने कुछ भी नहीं किया साहब, और हमने तो कछु खरीदा भी नहीं था। महाजन झूठ बोल रहा है। साहब गलत फहमी भी तो हो सकती है। योगेश जरा इसकी गलत फहमी दूर कर दो। चल साहब तेरी गलत फहमी दूर कर दो। साहब हमने कुछ नहीं किया। मैंने खरीदा था पर अपने लिए नहीं। तो फिर किसके लिए खरीदा था? गरीबो फटाफट लेता। कहाँ साहब? सुरक्षा कवच। जी साहब। चल रूपा। अरे रूपा। हाँ। अरे पानी ले आओ। ला रहे। ले लीजिए। पुलिस वाले आप काहे बुलाए थे आपको? अरे पगला गए साले, दिमाग घूम गया उनका। एक बात बताइए, अगर आप कंडोम खरीदे तो इस्तेमाल कहाँ किए थे? यार दिमाग मत चाटो, वहां पुलिस वाले ये पूछ रहे हैं और घर में तुम ये पूछ रहे हो। सुनो अगर पुलिस वाले पूछे ना तो कह देना अपने लिए लिया था। ले लो। अपने लिए? सर क्राइम सीन से जो विस्की की बोतल मिलने पर हमें मालूम चला है उस ब्रांड को दो लोग यूज करते हैं पूरे गांव में। एक तो बलिया साड़ी फैक्ट्री का मालिक रजत और दूसरा दुहारू जिसकी दुश्मनी रघु से है। और सर ऐसा भी पता चला है कि रजत एक रात में 3 से 4 बोतल उड़ा देता है। एक काम करो इस दुहारू को बुलवाओ, तब तक हम चल के इस रजत की जन्म कुंडली निकलवाते हैं। बाबा आज आप जल्दी घर आ गए फैक्ट्री से। हाँ बेटा वो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी ना मेरी, इसलिए आज तुम स्कूल गई थी। हाँ गई थी ना बाबा। अच्छा तो इधर आ मेरे पास बैठो। क्या हुआ स्कूल में? आज तो मिस बहुत गुस्से में थी, सबको छड़ी पड़ी। तुमको भी पड़ी? हमको काहे पड़ेगी, हम तो सब पढ़ के गए थे। शाबाश मेरी बच्ची। मनीषा क्या बेवकूफी है, दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा? अभी तो उतारे थे अम्मा। कहाँ उतारी है? लो खड़ी हो, खड़ी हुआ। अरे जाने तो घर में ही तो है। हाँ आप तो यही चाहेंगे ना दुपट्टा ना पहने। क्या बोली तुम? वही जो आपने सुना है। मनीषा जाओ जाओ अंदर कमरे में। और तुम मनीषा को इतना ज्यादा अपने पास मत बिठाया करो जो तुम दारू पी रहे हो। एक थप्पड़ हाथ लगा के दिखाओ जरा मुझे। गरीबों ने जो भी कहा है वो सच है सर। हमारा एक दोस्त है जयंत, वो शहर में रहता है और उसका गेस्ट हाउस भी है, तो हमें जब भी मौका मिलता है हम उसके गेस्ट हाउस चले जाते हैं। और फिर वो फिर क्या सर? हमारी बीवी को मत बताइएगा प्लीज। हम साथ वहाँ पीते हैं और जयंत वहाँ लड़कियों का इंतज़ाम करता है। और फिर हम लोग ये जयंत रहता कहाँ है? बलिया सर। योगेश बलिया पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करो और उनसे कहो कि जयंत के बारे में जानकारी हासिल करें। पर जयंत की बीवी को भी
इन सब के बारे में पता नहीं है सर। कोई बात नहीं, अब पता चल जाएगा। जयन, रजत ने हमें सब कुछ बता दिया, अब तुम हमें बताओ कि माजरा है क्या। मैं सच कह रहा हूँ साहब, उस दिन हम लोग मेरे गेस्ट हाउस पे ही थे, वहाँ पे शराब पी रहे थे और फिर दो लड़कियाँ बुलाई थी उनके साथ। ठीक है, जाओ। योगेश। यस सर। उस इलाके में जाके उन दो लड़कियों के बारे में मालूम करो, पता करो कि ये जो कह रहा है सही है या गलत। ओके सर। चल निकल निकल। पूजा सर, मैंने पता किया है, उन दोनों प्रोस्टिट्यूट के बयान के हिसाब से ये दोनों जयंत के गेस्ट हाउस में ही थे। जयंत और रजत के बयान में कोई फर्क नहीं था, ये आखिरी दो जो शक के घेरे में थे, इनके पास मौका वारदात पर ना होने की भी वजह थी। यहाँ दुहारू से भी पूछताछ की गई और उसने भी माना कि वो भी उसी ब्रांड की शराब पीता था, मगर उसके पास खरीदी हुई बॉटल्स तक मौजूद थी। उसकी पत्नी ने भी लेडी कांस्टेबल के सामने ये बयान दिया कि उसकी और दुहारू की सेक्स लाइफ अब भी एक्टिव थी। रूपलता झूठ बोल रही थी, पर यह झूठ वो अपने पति को बचाने के लिए बोल रही थी, कुछ छिपाने के लिए या फिर अपने आप को शर्म से बचाने के लिए बोल रही थी, ये जानना आसान नहीं था। एक नाबालिग लड़की का बलात्कार हुआ था, लेकिन पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद भी ना तो कोई गवाह मिला था और ना ही कोई गुनहगार। और तभी एक ऐसा हादसा हुआ जिससे पूरा गांव कांप उठा। मेरे बेटे लोग आसपास देखो, कुछ मिलता है क्या? सर। यही सबूत हमें सरिता के क्राइम स्पॉट से भी मिले, कहीं ऐसा तो नहीं मनीषा का कातिल और सरिता का रेपिस्ट एक ही हो? या फिर यह भी हो सकता है कि कोई सबूत यहां रख के किसी को फंसाना चाह रहा हो? अरे भैया वो देखो, वो पगली फिर आ गई। अगर ये दुनिया की आखिरी लड़की भी होगी ना, तब भी हम इसके साथ कुछ नहीं करना चाहेंगे। इस पगली के साथ कोई क्या करेगा? सरिता, एक वो तीन, इसका मतलब तीन चार लोग। ये देखो, मनीषा की रिपोर्ट में भी वही लिखा है जो सरिता की रिपोर्ट में लिखा था। सीमेन हमें वहां भी नहीं मिला था, यहां भी नहीं मिला है। सरिता की मेडिकल रिपोर्ट में भी डॉक्टर ने मल्टीपल पेनिट्रेशन का जिक्र किया है, जो इस रिपोर्ट में भी किया हुआ। यू आर राइट सर, और क्राइम सीन से भी उसी ब्रांड के सिगरेट बट्स और विस्की की बॉटल। इसके सिर्फ दो मतलब हो सकते हैं, या तो ये क्राइम उन्हीं लोगों ने किया है जिन्होंने सरिता के साथ दुष्कर्म किया था, या फिर किसी ने हमें मिसगाइड करने के लिए इस क्राइम सीन को बिल्कुल वैसा बनाने की कोशिश की है ताकि हम इस धोखे में रहें कि ये दोनों क्राइम्स एक ही गैंग ने किए हैं। सर, फर्क सिर्फ इतना है कि मनीषा को चाकू जान लेने के लिए मारा गया था, जबकि सरिता की जान लेने की कोशिश ही नहीं की गई। क्योंकि मनीषा अपने बलात्कारियों को पहचान सकती थी, सरिता की दिमागी हालत ठीक नहीं होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर सकती थी। ये बार शोर कैसा है? गांव वाले फिर से इकट्ठा हो गए।
मनीषा के केस को भी बंद करने के लिए। आओ। साहब से मिलना है, हमको जाने दीजिए। क्या बात है, अब क्यों आए हैं आप लोग? हम सब आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। साहब, पिछली बार हम लोग आए थे कि आप सरिता का केस बंद कर दें, लेकिन इस बार हम चाहते हैं कि आप जितनी पूछताछ करना चाहते हैं हम सारे गांव वालों से कर सकते हैं। हम सारे गांव वाले आपके साथ में। क्यों भाई, साथ में हो ना? साहब, हमसे जो भी मदद पड़ेगी हम करेंगे आपको, और जिसने भी ये कुकर्म किया ना उसे छोड़िएगा मत। हाँ साहब, दुहारू भैया की बिटिया हमारी बिटिया जैसी थी। दुहारू की बिटिया आपकी बिटिया जैसी है, और रघु की बेटी? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दिमागी तौर पर कमजोर है, इसीलिए आप लोगों ने मोर्चा निकाला था उसका केस बंद करने के लिए? हमसे गलती हो गई साहब, हम हाथ छोड़ के माफी मांगते हैं आपसे। माफी ही मांगनी है तो रघु से मांगो, उसकी बेटी सरिता से मांगो, क्योंकि अगर उस वक्त आप लोगों ने मोर्चा नहीं निकाला होता तो आज मनीषा के साथ ही हादसा हुआ ही ना होता। हवलदार भेजो इन सबको। साहब बात तो सुनिए साहब। साहब सिगरेट का ब्रांड कौन लेता है? क्या है ना साहब, ये ब्रांड थोड़ा महंगा है ना, इसको शहर से मंगवाना पड़ता है। अच्छे से खरीदता कौन है? इस ब्रांड को अक्सर रजत साहब मंगवाते हैं। चाहते कहाँ हैं आप लोग, और किस केस की तहकीकात कर रहे हैं, सरिता के रेप की या फिर मनीषा के मर्डर की? तुमसे जितना पूछा जाए उतना जवाब दो। देखिए सर, अब हम आपके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देंगे। पहले ही उस पगली के चक्कर में आप हमसे बहुत सवाल जवाब कर चुके हैं। हमको ये प्रूव करना पड़ रहा है कि कहाँ थे हम, मतलब पूरे गांव में हमें ही आपको बलात्कारी लग रहे हैं का? और बाद में फिर हमको प्रूव करना पड़ेगा कि मनीषा के मर्डर के वक्त कहाँ थे हम। एक बात बताइए हमको, ये लड़कियों को अकेला घर से बाहर कहे निकले देते हैं? किन के साथ कुछ हो जाए, बिना दुपट्टा के इतना मटक मटक के चलेंगी तो यही होगा ना? रजत जी, अगर आपकी अम्मा बिना दुपट्टा के घूमेगी तो आपका मन डोल जाएगा। रजत जी, वो बच्चियाँ थी, देखिए इसे, अपनी पूजा को देखे एक बार, इसके साथ कुछ होगा तो। उस शाम हम ऑफिस में ही थे सर। अरे यार तुम भी ना, एक बार फंस गए तो क्या हर बार फंस जाएंगे? यार बहुत मन कर रहा है। जी जी मैं करवाता हूँ, जल्दी करवाता हूँ। क्या चल रहा था? कुछ नहीं, एक लास्ट ऑर्डर था वही ले रहा था। आप हमें मंदिर ले जाने वाले थे रजत जी, फिर से भूल गए ना तुम? अरे मेरे तो ध्यान से निकल गया, चलो फटाफट चलते हैं। चलो। उस दिन ये हमें मंदिर लेके गए थे, हमें पूजा में थोड़ा टाइम लग गया, उसके बाद इन्होंने मुझे घर छोड़ दिया मंदिर से। कितने बजे घर छोड़ा था इन्होंने आपको? करीब 4:30-5 बजे। मनीषा के साथ भी जो हादसा हुआ वो करीब 5:30 बजे ही हुआ था, आप इन्हें घर छोड़कर कहाँ गए थे? सर मैं वापस फैक्ट्री गया कुछ पैसे निकालने के लिए, वो अगले दिन मुझे बैंक में जमा कराने थे। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो वॉचमैन से पूछ सकते हैं। हमें जिससे पूछना होगा हम पूछ लेंगे, तुम बस ये ध्यान रखो कि तुम जो कह रहे हो वो सच हो। सर मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, आप मेरा भरोसा कर सकते हैं। आप सच बताइए मुझे, इन सब में आपका कोई हाथ तो नहीं है ना? नमस्ते सर। नमस्ते रघु, कैसे हो? ठीक है सर। सरिता कैसी है? ठीक नहीं, थोड़ा दर्द रहता है और हादसे के बाद कभी भी दौरा पड़ जाता है। तो डॉक्टर को दिखाओ। जी, कुछ पता चला सर? नहीं रघु, अभी तो पता नहीं चला है,
लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रहे हैं। हम लोग सोच रहे थे कि ये गांव छोड़कर कहीं और चले जाएं। बड़ी बेइज्जती महसूस होती है अभी यहाँ। लेकिन क्यों? मनीषा की हत्या के बाद अब तो गांव वालों की सोच भी बदल गई है। हाँ वो तो है। कल सरिता सारा दिन बाहर थी पर किसी ने कुछ कहा नहीं, ना ही किसी ने गाली दी, ना ही पत्थर मारा। नहीं तो बिना कुछ कहे बिना गाली दिए कोई वहाँ से जाता ही नहीं था। लेकिन दौरा तो फिर भी पड़ गया साहब, डर के मारे ऐसी मुँह छुपा रही थी सबको देख। कौन कौन लोग थे वहाँ जिन्हें देखकर सरिता को दौरा पड़ा? मनीषा के नाम की पूजा करके लौट रहे थे वो, दुहारू, महाजन, मरियासी, यही सब गांव वाले। नाम लिखवा दो उनके। जी सर। रघु, ये मनीषा का जब बलात्कार और खून हुआ उस वक्त तुम कहाँ थे? मालती की तबीयत ठीक नहीं थी और हम बिटिया के साथ बाहर गए थे। ठीक है, तुम नाम लिखवा दो और जाओ। जी सर। सर आपको रघु पर शक है? शक नहीं है, बस एक ख्याल है, क्योंकि रघु की दुहारू से दुश्मनी थी, क्या पता बदला लेने के लिए। और सर ये उन गांव वालों को बुलाना जिनको देखकर सरिता को दौरा पड़ा था, क्या पता किसी खास चेहरे को देखकर उसे दौरा पड़ा हो। अब उसकी मानसिक हालत ऐसी तो है नहीं कि वो किसी शख्स पर हाथ रख के या उंगली उठा के ये कह सके कि इस आदमी ने मेरे साथ बलात्कार किया था। हाँ एक बात जरूर है, हो सकता है सरिता ही हमें अपने बलात्कारियों तक पहुंचा दे। रघु की जानकारी के बाद पुलिस ने उन सभी गवाहों को पुलिस स्टेशन बुलवाया जो रघु के घर के सामने से गुजरते थे, क्योंकि उनमें से ही किसी को देखकर सरिता बहुत डर गई थी। सब बताते हैं साहब, साहब लेकिन हम अकेले नहीं थे साहब, और हमारा कोई इरादा भी नहीं था, हम तो शाम को अपने घर की तरफ जा रहे थे। सुनिए ये गरीबों कहां पर है? वो वहां पर है। रुकिए गरीबों, सही कह रहा था साहब, दोनों वह दारू पीने के लिए बैठे थे, हमको अचानक गाड़ियों पे आवाज आई और जाके देखा तो इधर से आवाज कुछ। अरे पीने के बाद साले तुमको संगीत नहीं, कुछ तो है भाई यार। उठो उठो देखते हैं। साहब मेरी बात सुनिए साहब, साहब मैंने नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मेरी बात सुनिए साहब, मेरी बता बोल। साहब मेरा दिमाग खराब हो गया था साहब, पगला गया था। एक कॉन्डम देना। हाँ ले ऐश कर। सारी दुनिया ऐश कर रही है और हम कंडम बेच रहे हैं।
हाँ राधा बोल। ठीक है एक काम कर, तेरी माँ को दे। हाँ सुन, आज जरा तैयार है ना? तैयार है ना, मूड में आ रहे हैं। आज सलाह मान जाए, हम भी थोड़ा ऐस करेंगे। अरे हमारा कॉन्डम कहाँ गया? हवाई जहाज, बड़ा वाला हवाई जहाज चढ़ा है क्या? बड़ा वाला? हाँ हाँ चलो चलो बड़ा वाला अपन चलते हैं। हाँ अपन बड़ा वाला, बड़ा बड़ा वाला हवाई जहाज, बड़ा वाला हवाई जहाज चलो। हाँ बड़े बड़े हवाई जहाज, इधर आ जा, इधर आ जा, चल चलो 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 चलो। अपन है ना हवाई जहाज उड़ाएंगे। उड़ गया अभी है ना, नया खेल खेलेंगे। नया खेल क्या होता है पता है? नया खेल क्या होता है। का हुआ? हाँ ये का कर रहे थे, का कर रहे थे हम? हाँ देखो कल दुकान पे आ जाना, कुछ पैसे दे देंगे तुमको, ठीक है? चल घर चलो। पैसा है? ये जो आप कांड किए हैं ना, बचेंगे नहीं। किस सर? लड़की किसी को बोल दी तो? ये तो पगली है, इसको क्या पता कौन किया कैसे किया, इसको क्या समझ में आएगा, किसको बताएगी ये? अरे तो बोल भी नहीं सकती है ना। कल दुकान पे आ जाना, पैसा दे देंगे। चलो 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 दुकान पे आ जाना। का है भाई, लोग तो कुछ और ही सोच रहे थे। पागलों का, वो इतना बहुत संभाल नहीं पाएगी। तुमरे जैसे राक्षस को संभाल लिया, हम लोगों को नहीं संभाल पाएगी क्या? चुप बोला मत को। अरे थोड़ा हमरे लोगों का भी फायदा होने दो ना। हम घर चलते हैं, तुम करो चुपचाप। तुम कहाँ जा रहे हो भैया? अभी रुको, हम दोनों जा रहे हैं अंदर, आप झाड़ी के बाहर पहरा दो। हाल है क्या? हम हाँ जाओ चल। जाओ 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 तो। वो तुम्हारे साथ इस दुष्कर्म में शामिल था तो फिर कंडोम खरीदने वालों की लिस्ट में उसका नाम क्यों डाला तुमने? जब आप हमसे पूछताछ करने आए थे तो हम बहुत डर गए थे, हमने गरीबों के साथ मिलकर प्लान बनाया। अरे गरीबों, आज पुलिस आई थी दुकान पे। पुलिस काय? कह रही थी कि हफ्ते भर में जितने लोग ने कंडोम लेके गए थे सबका नाम बताओ। हाँ तुम सच बोल दो, दे दो नाम। दम मार के आया होगा, अरे तुम्हारा नाम देंगे तो हम नहीं फंसेंगे क्या? अरे टेंशन काहे ले रहे हो, हमसे पुलिस पूछेगी तो हम कह देंगे किसके लिए लेके गए थे। किसके लिए लेके गए? हमरे साहब के लिए, उन्हीं के लिए तो लेके जाते थे। और फिर मनीषा को देखकर तेरे दिमाग में शैतान सवार हो गया। नहीं साहब, मनीषा बिटिया के साथ हमने कुछ नहीं किया, उसे छुआ भी नहीं साहब। हमने कसम खा ली साहब कि हम कुछ नहीं करेंगे, हमने तभी कसम खा ली थी साहब। तो मतलब तूने मनीषा का मर्डर नहीं किया? तू तो हमारी बिटिया जैसी थी, हम कुछ नहीं मारे साहब। इन तीनों में से कोई ना कोई एक जरूर झूठ बोल रहा है। और सर वो विस्की की बोतल और सिगरेट रजत यूज करता है। जी कहिए। तुम फैक्ट्री में बैठ के शराब पीते हो ना? जी, पर कभी कभी। हमारे पास तुम्हारी फैक्ट्री का सर्च वारंट है।
चाकू किसका है? यही है ना वो चाकू जिससे तुम लोगों ने मनीषा का कत्ल किया। बोलो। साहब, हमने इसको बहुत मना किया था कि मारो मत, लेकिन इसने हमारी एक भी नहीं सुनी। और जब मनीषा कुएं से पानी भर के घर पे जा रही थी, तब हम लोगों की नजर उस पर पड़ी। अरे ओ मनीषा, कहाँ जा रही हो? अरे चाचा पानी लेने आए थे, अभी घर जा रहे हैं। अरे तो यहाँ से कहाँ घर जा रही हो? वहाँ चलो, छोटा रास्ता है, आ जाओ। यहाँ से थोड़ी कोई रास्ता है, इनसे पूछ लो, बताओ। अरे हाँ, इधर बहुत छोटा रास्ता है, हम तो रोज जाते हैं। अरे घर इधर है तो रास्ता यहाँ से कैसे होगा? वो गली नजर आ रही, सीधे घर की तरफ। अरे चाचा क्या बोल रहे हो, यहाँ से थोड़ी। अरे चाचा, अरे हम रोज जाते हैं। क्या बोल रहे हैं? छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो, हम बचाओ, छोड़ो छोड़ो मुझे, शायद तब हमको ख्याल आया कि ये सरिता की तरह पगली तो है नहीं, हम लोगों के बारे में सबको कहीं बता ना दे, तो हम लोगों ने उसको मार दिया। और उस जगह पे रजत साहब का दारू की बोतल और सिगरेट वहीं पे डाल दी, जिससे कि शक उन पे जाए। माफ कर दो साहब, माफ कर दो। तुम लोग जितने होशियार बनते हो ना, उतने हो नहीं, क्योंकि जुर्म की तो फितरत ही है, करने वाले को भी नहीं बख्शता वो। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए साहब। इस सामाजिक भेदभाव की वजह से एक ऐसी बच्ची की जान गई जिसका कोई दोष नहीं था। अगर गरीबों और मरियासी जैसे दरिंदों की गलती है, तो गलती पूरे गांव की भी है। अगर सरिता की मानसिक स्थिति की वजह से उसका बहिष्कार कर अपने बच्चों के साथ ना खेलने देने की बजाय अगर उसे अपनाया होता, उसे प्यार दिया होता, तो महाजन जैसे दरिंदों की हिम्मत ही नहीं होती उस पर हाथ डालने की। जरूरत है सोच को बदलने की, बहिष्कार करने की नहीं, अपनाने की। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.